हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो भाई, आज जो आज पहुंच चुके हैं हम मनाली। राजीव और ये यहाँ पे शेखर। शेखर हाय तो बोलो। अक्सु और संजीव भाई देख सकते हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं ना। मस्ती मजा आ रहा है। सो गाइस, बहुत मजा आ रहा है। और अभी जो है, अभी हम थोड़ा फ्रेश हुए हैं नहा धोकर, और देख सकते हैं आप। ए बाबे, जाहो जाहो जाहो। तो देख सकते हैं भाई क्या कर रहे हैं लड़के। तो अभी जो है, अभी फिलहाल खाना बना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और उसके बाद चेकआउट करेंगे। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहिएगा और मिलते हैं सोलंग वैली में या कोई और जगह। सो गाइस, बहुत ही मज़ा आया। वो भी जो है, अभी हम निकल गए हैं भाई। फिलहाल पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे, और ये है ऊपर का नज़ारा रूम। यहाँ पे होटल वगैरह सभी, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और देख सकते हैं भाई, काफ़ी स्नोफॉल गिरा है भाई, और बहुत ही मज़े आएंगे अभी। ये देख सकते हैं आप नज़ारा यहाँ का, वो पार सामने। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई घूमने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे तो पहली बार आया हूँ। क्योंकि बहुत ही इंजॉय आ रहा है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। लेकिन अभी अच्छा बहुत तब लगेगा जब हम स्नोफॉल में जाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। गाइस, अभी जो है फिलहाल हम पूछ लेते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बना है। तो देख सकते हैं आप। सो गाइस, एकदम मस्त वाले परांठे बनाए थे भाई जी ने हमारे। तो भाई का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे परांठे हमको खिलाए। और दाम की तो बात अलग है, पैसा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसानियत एक अलग चीज़ है। भाई ने पहचाना, और मैं बहुत अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो भाई के वर्कर हैं या भाई के भाई होंगे, तो इनको भी भाई मैं सैल्यूट करता हूं दिल से, कि जिन्होंने इतने ठंडी में या कोई भी चीज़ करते हैं भाई। पैसे तो अलग चीज़ होती है, लेकिन मेहनत करके पूरा पेट अपना गुजारा करता है बंदा, दिन भर लगा रहता है। तो भगवान से मैं यही आशा करता हूं भाई जी, आपका आपके काम के लिए दिन दुगनी हो, रात चौगनी हो। तो फिर अगर दोस्तों, ये अगर कहीं यहाँ पे आएँ तो क्या जगह है, नाम क्या है इसका? कोम्पा रोड। कोम्पा रोड मेन मार्केट, मेन मार्केट। और भाई का नाम, नाम पर देशराज ठाकुर। तो इनके ढाबे में भाई जरूर परांठे, नाश्ता वगैरह और डिनर लंच सब कुछ बनता है भाई का ना, बहुत ही अच्छा और अच्छे दाम। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच। राजीव, तूने ने लिया? नहीं, सोचा है शौक नहीं है। तो भाई, तो गाइस अभी फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। गाड़ी पार्क कर दी है पार सामने, तो देख सकते हैं। और अभी जो है, अभी पूरा लुत्फ लेंगे और ब्लॉग में भाई बने रहिएगा। तो मैं पहाड़ी मुड़ा यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अपने स्नोफॉल, जहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है। तो आज जो है, आज बिल्कुल इंजॉयबल करेंगे भाई।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो भाई देख सकते हैं चारों तरफ स्नोफॉल ही स्नोफॉल है, काफ़ी एक्साइटेड था मैं, काफ़ी बहुत सारी बर्फ हो रही है भाई। मैं तो काफ़ी दिनों से लग चुका था यहाँ पे आने के लिए, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। ये मेरे पर नहीं हटा क्यों भाई? देख रहे हैं रोमांकल जी, तो ये देख सकते हैं किस तरह से भाई हमारे जो भाई हैं, काफी मजे ले रहे हैं भाई। फिर भाई कैसा लग रहा है भाई यहाँ पे आके? शेखर कैसा लग रहा है आज? बढ़िया बढ़िया, हाँ देख सकते हैं कितनी बर्फ है भाई, बहुत ही मजा आ रहा है। तो यहाँ पे भाई फोटोग्राफी होती हुई, हमारे फोटोग्राफर साहब भी, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो इतनी बर्फ में लोगों के काम आते हैं भाई फोटो खींचने में। हर कुछ दिख रहा है भाई, हर तरह से ये बना रहे हो जी, मकान बना रहे हो? गुड्डू गुड्डू बना रहा है जी, देख सकते हैं। और साथ दे रहा है शेखर गुड्डू बनाने में, हैं शेखर करो यार कुछ। मोटा खिलारा मारे हैं, मोटे बाबा है। रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा हो शिल्पा शिमले वाली ए, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा हो शिल्पा शिमले वाली ए, मेरे कनों रे झुमके प्यारे प्यारे, तेरे कनों रे झुमके प्यारे। अपनी तो काफी मजा आता है भाई, अगर तो ये था बहुत ही प्यारा प्यारा सा आज का डे। तो भाई काफी मजा आ रहा है, और हमारे यहाँ पे काफी पर्यटक आए हुए हैं यहाँ पे, काफी मजा आ रहा है भाई साहब। राम राम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है गाइस। यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ रखी है, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा बर्फ पड़ रखी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे काफ़ी आज खुश हूँ, और अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉगिंग जो है भाई वो अच्छी से अच्छी बने, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा ब्लॉग मैं बना सकूँ। तो अच्छे से अच्छा लुत्फ़ लेता हुआ और बनाता हुआ भाई।